आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मित्रों, 2019 के आम चुनाव का पहले दो चरण का मतदान समाप्त हो गया है। तीसरे चरण का प्रचार भी समाप्त हो गया है। कल मतदान तीसरे चरण का होगा। देश भर में मतदान की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साह के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने मतदान किया है, इसकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। बंगाल में भी करीब करीब एवरेज दोनों चरणों में 81% से ज्यादा मतदान हुआ है और मतदान के रुझान स्पष्ट बताते हैं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रचंड लहर देखने को मिल रही है और एक बड़ा परिवर्तन बंगाल की जनता करने जा रही है, उसके संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अब तक का चुनाव प्रचार और जनता के बीच में जो चुनाव के मुद्दे उभर कर आए हैं, वो चुनाव जनता के बीच में देश की सुरक्षा कौन कर पाएगा, इसके बारे में जनता मैंडेट देने जा रही है। इस प्रकार के रुझान आए हैं। एक और, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए स्पष्ट नीति देश की सुरक्षा के लिए घोषित कर 5 साल में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये नीति को जमीन पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है और हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर इस नीति को और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का वादा देश की जनता के सामने किया है। दूसरी ओर, बिखरा हुआ विपक्ष, हर पार्टी विपक्ष की अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर देश की सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चुप दिखाई पड़ती है। ऐसे मसले जिसका जवाब देश की जनता चाहती है, इस पर कोई स्पष्ट नीति या स्पष्ट वादे लेकर विपक्ष जनता के बीच में नहीं आए। विपक्ष के घोषणा पत्र का, विपक्ष के मैनिफेस्टो का एनालिसिस करते हैं तो उसमें देश की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति का अभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा, नेतृत्व के बारे में भी ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी का नेतृत्व देश भर की जनता ने ये 5 साल में अनुभव किया है। एक निर्णायक नेतृत्व हमने देने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। एक पारदर्शी नेतृत्व देने का हमने प्रयास किया है। एक संवेदनशील नेतृत्व, गरीबों के लिए मन में संवेदना रखने वाला नेतृत्व देने का हमने सफल प्रयास किया है और इन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकारा है। कठोर फैसले लेने वाला, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। विपक्ष के पास नेतृत्व का अभाव है, ना विपक्ष अपना कोई एक नेता देश के सामने रख पाया है, ना नीति रख पाया है। तीसरी बात, गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो 5 साल के अंदर परिणाम लक्षी काम नीचे तक पहुंचे हुए करे हैं, इससे देश के 50 करोड़ गरीबों के अंदर एक स्पष्ट मैसेज गया है
और हमारे संकल्प पत्र ने भी इसमें एक बड़ी हामी पुराने का काम किया है कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए अपनी गति और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम देश की जनता के सामने लेकर गए हैं कि जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे 2022 के अंदर, उस वक्त देश के अंदर आजादी के 75वें साल के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अच्छा पीने का पानी नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं होगी, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं होगी, और एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके स्वास्थ्य की चिंता केंद्र सरकार के द्वारा की नहीं गई। एक और 5 साल के किए हुए कंक्रीट काम गरीब कल्याण के लिए और दूसरी ओर एक खोखले वादों का, ये दोनों के बीच में देश की जनता ने निर्णय करना है। इस प्रकार की ये चुनाव के अंदर अभी तक का जो दृश्य है वो उपसा है। चौथी बात, ये 5 साल के अंदर देश के सम्मान को दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम, देश के सम्मान को दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी इस बात को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा रोड मैप, एक कंक्रीट रोड मैप लेकर हम देश की जनता के सामने गए हैं। और दूसरी ओर बिखरा हुआ वोट बैंक, बिखरा हुआ विपक्ष, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और केवल सत्ता प्राप्त करने की चिंता के आसपास उनका मैनिफेस्टो, इसके इर्द गिर्द इनका मैनिफेस्टो उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। हमने डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी और गहराई के साथ दोहराया है। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है और एनडीए के साथी ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आज भी हमने बरकरार करी है। जिन पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है वो पार्टियां देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती हैं। दूसरी ओर जो बिखरा हुआ विपक्ष है, हर पार्टी परिवारवाद से घिरी हुई नजर आती है, अपने परिवार के लोगों को ही आसीन करने के लिए उनके चुनावी एजेंडे दिखते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के महत्वपूर्ण मसलों के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति लेकर आई है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे धारा 370 और 35 को हटाने की बात, ये किसी भी बात पर हमारा संकल्प पत्र कोई कंफ्यूजन नहीं रखता है। क्रिस्टल क्लियर नीति हमने चारों मुद्दों पर अपनाई है। टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर हम जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। एनआरसी को देश भर के अंदर एनआरसी को इम्प्लीमेंट कर एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की रचना करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आसपास के देशों से, वहां की धार्मिक लघुमती जो यहां शरणार्थी बनकर आई है, इनको नागरिकता देने के लिए भी हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, वो सबको हम नागरिकता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर स्पष्टता से संकेत दिए हैं। धारा 370 और 35 ए के लिए भी हमने हमारा कमिटमेंट दोहराया है। जब भी नई सरकार बनती है वो धारा 370 और 35 ए को बदलने के लिए निश्चित रूप से, प्रभावी रूप से कदम उठाएगी। जहां तक बंगाल का चुनाव है, बंगाल के 2 चरण के चुनाव में ममता बनर्जी ने
अब उनकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से नजर आती। दो चरण के चुनाव में ममता दीदी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वही हताशा से प्रेरित होकर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रही हैं, सभी लोकतांत्रिक तरीकों का बंगाल के अंदर दफन करने वाली ममता दीदी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। वो देखकर कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगता है कि ममता दीदी को अब लोकतंत्र याद आ रहा है। स्थिति यह है कि हमारी रैलियों को परमिशन नहीं दी जा रही है, हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टरों को जमीन पर उतरने की परमिशन न देने वाली ममता बनर्जी, आज स्थिति हो गई है कि उनकी रैलियों को जनता परमिशन नहीं दे रही है। कई जगह पे रैली रद्द कर उनको पैदल मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ रही। मीडिया भी मजबूर है ममता दीदी का स्टेज ही दिखाने के लिए, क्योंकि भीड़ दिखाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति हुई है। तो उनकी रैलियों में कहीं भीड़ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ स्टेज दिखाते, ये स्थिति आई है। उन्होंने मतदाताओं के मन में डर का माहौल पैदा करने का पूरा प्रयास किया है, घटनाओं के आधार पर किया है, प्रचार के आधार पर किया है, मगर मैं बंगाल के मतदाताओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और उनको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के तत्वाधान में ये न्यूट्रल चुनाव होने जा रहे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अपने मत की अभिव्यक्ति डरे बगैर बेखौफ करनी चाहिए। और पूरे के पूरे गांव जब इकट्ठा होकर वोटिंग करने जाते हैं तो कुछ गिने चुने गुंडे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बंगाल के ग्रामीण मतदाताओं को अपील करने आया हूं, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मतदान केंद्र पर जाना चाहिए और अपने मत का डर के बगैर अभिव्यक्ति करना चाहिए, अपने मत को अभिव्यक्त करना चाहिए। हर जगह पर सीआरपीएफ तैनात है, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लोकतंत्र के प्रहरी बनकर खड़े हैं। बंगाल के मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि बंगाल की जनता ने ये जो भय का माहौल खड़ा किया है टीएमसी ने, इसका मुकाबला करने के लिए। और ममता दीदी कहती है कि ये चुनाव बंगाल का चुनाव नहीं है, ये देश भर का चुनाव है। मैं भी यही कहना चाहता हूं, परंतु बंगाल के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्था की जिस प्रकार से स्थिति ममता बनर्जी ने करी है, ममता दीदी ने करी है, अब लग सबको लगता है कि कम्युनिस्ट तो अच्छे थे, इस प्रकार के वातावरण की निर्मित ममता दी ने की है। बंगाल की संस्कृति के साथ तुष्टिकरण की वोट बैंक ने, एपिसमेट की वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने बंगाल की संस्कृति को दबाने का, तहस नहस करने का, नष्ट करने का काम किया है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने डेमोक्रेसी के अंदर अपना रोल छोड़कर पॉलिटिशियन का रोल ले लिया है, राजनेताओं का रोल लिया। राजनेता मौन है, ब्यूरोक्रेसी और पुलिसी तंत्र को चला रही है, बाबूशाही ये बंगाल के लोकतंत्र को हड़प कर गई है। नारदा शारदा सिंडिकेट राज, इसने बंगाल के अंदर एक भ्रष्टाचार का भयंकर माहौल खड़ा किया है और बंगाल की जनता ये भ्रष्टाचार के माहौल से त्रस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 1.001% भी आगे नहीं बढ़ा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नीचे 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 जा रहा है। और जिस प्रकार से हिंसा ने यहां अपनी जगह बनाई है, इसमें लोकतंत्र भी बहुत आहत हुआ है। देश को टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर शुमार करना है, देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो अब आज हम पहुंचे हैं उसको और आगे बढ़ाना है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, देश के अंदर गरीबी का उन्मूलन करना है, परंतु बंगाल के अंदर तो लोकतंत्र बचाने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और वो दूसरा, बंगाल के घुसपैठियों की जो समस्या है इसको ममता बनर्जी समाप्त नहीं कर सकते। बंगाल के अंदर से घुसपैठियों को निकालने का अगर कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल
भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और बंगाल के अंदर जो करोड़ों की तादाद में शरणार्थी आए हुए हैं, उनको नागरिकता देकर अगर सम्मान दिलाना है, उनको अपना भाई बनाकर भारत के अंदर प्रस्थापित करना है सम्मान के साथ, तो वो काम भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बॉर्डर पर गो तस्करी रोकनी है, नशे की तस्करी रोकनी है, तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावे पॉलिटिकल विल बंगाल की किसी पार्टी में नहीं है जो बॉर्डर पर गो तस्करी रोकेगा, घुसपैठ रोकेगा और नशे की तस्करी को रोकेगा। सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को फिर से एक बार सम्मान के साथ रिस्टोर करने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तुष्टिकरण सिंह की वोट बैंक के लोभ के बगैर, एपीसमेंट पॉलिटिक्स के मोह के बगैर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित कर फिर से पूरे विश्व में और भारत में गौरव का स्थान अगर कोई दिला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। और बंगाल को विकास के रास्ते पर जो आजादी के वक्त जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन फिर से एक बार प्राप्त करने के रास्ते पर बंगाल को कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है। ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में 2 लेन 4 लेन 6 लेन रोड की सुविधा लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। पश्चिम बंगाल में 2,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है, इसके लिए और 1200 करोड़ का खर्च किया है। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता 68 साल पुराना एक विवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और एंक्लेव में रहने वाले लाखों लोगों को एक राहत का संदेश पहुंचा है। रेलवे बजट सिर्फ 14 से 18 का 5,400 करोड़ से ज्यादा बंगाल के लिए रखा गया। कलकत्ता का मेट्रो प्रोजेक्ट पर 12,500 करोड़ रुपया लगाया गया है। स्वामी विवेकानंद ट्रेन की शुरुआत की है। अक्टूबर 2014 में विशेष तीर्थ यात्री पर्यटन ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। 2015 में 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाया है। केंद्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा, न्यूटाउन कोलकाता, मध्यग्राम में 3 सोलर सिटी विकसित करने का काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्थित इसको स्टील प्लांट को आधुनिकरण और एक्सपांशन किया गया है। सागरमाला के 41 प्रकल्प के माध्यम से बंगाल के पूरे नक्शे को एक विकसित बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया तक इसको मंजूर किया गया है। ताजपुर पूर्व मेदिनीपुर में न्यू डीप सी पोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया है। हल्दिया पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट को आधुनिक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। एक्सप्रेसवे पानागढ़ से दुर्गापुर से हल्दिया तक का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रूव किया है और कोलकाता पोर्ट से रोड कनेक्टिविटी भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोलकाता डॉकयार्ड तथा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को रेल कनेक्टिविटी देने का काम शुरू हो गया है। हल्दिया में एलएनजी की फैसिलिटी को दिया गया है। न्यू आईसीडी डेवलपमेंट इन नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग के अंदर ये शुरू किया गया है। कोलकाता में इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट बेस्ड लेदर एंड फुटवेयर क्लस्टर को बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुझे बड़ा दुख है कि जिस योजना से पूरे देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का स्वास्थ्य का खर्चा जो नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, वो आयुष्मान भारत योजना को बंगाल के गरीबों से दूर रखने का काम ये ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार कर रही है।
मैं बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि चुनाव देश के लिए तो निर्णायक है ही, परंतु बंगाल के अंदर लोकतंत्र को रिस्टोर करने के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और भय रहित होकर मैं बंगाल के हर मतदाता को अपील करना चाहता हूं कि खुलकर अपना मत अभिव्यक्त करे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आप समर्थन करिए, भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल पर बटन दबाकर फिर से सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि टैगोर, विवेकानंद, रामकृष्ण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना का बंगाल हम बनाएंगे। आपने एक मौका कांग्रेस को भी दिया, आपने एक लंबा समय कम्युनिस्टों को भी दिया, अब लंबा समय ममता दीदी को भी दिया है। आजादी के बाद बंगाल का विकास थमा पड़ा है, रुका पड़ा है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और उसको जमीन पर, इस स्वप्न को जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सबका धन्यवाद। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धीरे धीरे नहीं, ऐसी अभी कोई योजना नहीं। एक के प्लीज, मेरा निवेदन है, एक के बाद एक करिए। एक सेकंड, दिलीप दा नाम बोलेंगे, आप खड़ा करिए आराम से, मैं सबके सवाल लूंगा। अमित शाह जी, मनोज्ञा फ्रॉम आज तक इंडिया टुडे। मेरा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन है क्योंकि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन कहना ये तृणमूल कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना से एक राष्ट्रवादी दल रहा है। आतंकवादी संगठन वो नहीं होता है जो आतंकवादियों और देशद्रोहियों पर कठोर कार्यवाही करे। ममता दी क्या संदेश देना चाहती है? आज कांग्रेस पार्टी के साथ आप चुनाव के बाद बैठने वाली हो, वो कांग्रेस पार्टी देशद्रोह के कलम को ही, देशद्रोह की दफा को ही संविधान से अंदर से निकालने की बात करती है। आपने कोलकाता की रैली में फारूक अब्दुल्ला जी आपके मंच पर थे, वो कह रहे हैं देश में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये दोनों मुद्दे पर पहले ममता जी अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो अमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट कि कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए इससे सहमत है या नहीं। देशद्रोह की कलम हटाने का राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो की घोषणा है इससे ममता दीदी सहमत है या नहीं है। ममता दीदी धारा 370 हटाने के लिए सहमत है या नहीं है, वो निर्णय करे। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से, दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया, दो केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर ए तोयबा का कृत्य है, आज वो लोग कहां हैं? किसने छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया, इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? ये देश की जनता जानना चाहती है और ममता बनर्जी ने भी यह जवाब देना चाहिए।